हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको कार्बिन ऑटो हैंडल स्कैनर का सॉफ्टवेयर ओवरव्यू देंगे हुंडई की टक्सन गाड़ी पे, जो कि एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कार्बिन का हैंडल स्कैनर जो है व्हीकल से कनेक्टेड है। ये हमारा ओबीडी पोर्ट है, स्कैनर जो है आपका कनेक्टेड है ओबीडी पोर्ट में आपका। व्हीकल का इग्निशन भी ऑन है, स्कैनर पर लाइट आ रही है, इट मीन्स कनेक्टेड है व्हीकल से। चलते हैं सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में कार पे क्लिक करेंगे, देन हुंडई पे क्लिक करेंगे, जो हमारा व्हीकल है टक्सन हम उस पर क्लिक करेंगे। इसका जो वेरिएंट है हम वेरिएंट पे सेलेक्ट करेंगे। इसको ऑप्शंस जो है व्हीकल से कनेक्टेड होने के बाद ओपन हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहला जो ऑप्शन है डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड्स, उसके अंदर आप क्लिक करते हैं तो देख पाते हैं कि एक नॉन एक्टिव फॉल्ट कोड जो है वो उसमें एक्टिव है। बैक करते हैं और अलग अलग ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं, जैसे कि इरेज डीटीसी है, पैरामीटर डाटा हो गया, एक्चुएशन टेस्ट हो गया, रिसाइकलिंग का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ से ईसीयू ट्यूनिंग डाटा कंफर्म कर सकते हैं, विन रीड का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, विन राइटिंग का ऑप्शन है, आपका इंजेक्टर कोडिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, आप यहाँ से इंजेक्टर कोडिंग में व्हीकल में कर सकते हो। इसके अलावा कंप्रेशन टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं इस ऑप्शन में। ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं, जो भी मोस्टली जो है इस व्हीकल के रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए वो आप परफॉर्म कर सकते हो। बैक करते हैं और देखते हैं अलग अलग जो ऑप्शन है। मेन जो हमारा जो फोकस इस बार इस सॉफ्टवेयर में है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का है, तो उस मॉड्यूल पे हम क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। तो 80 पे क्लिक किया हमने, जो इसका वेरियंट था वो हमने सेलेक्ट कर लिया। पहला जो ऑप्शन है डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड्स का, जैसा कि आप देख सकते हो कोई फॉल्ट कोड इसमें अवेलेबल नहीं है। तो हम नेक्स्ट पे, नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका इरेज डाटा, तो वहाँ पे आप क्लिक करके जो भी फॉल्ट कोड हुआ उसको डिलीट कर सकते हो। तीसरा जो हमारा ऑप्शन है वो है आपका पैरामीटर डाटा का। तो पैरामीटर डाटा में आप देख सकते हैं अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जितने भी मोस्टली जो सेंसर्स अवेलेबल हैं आपका या रिलेटेड हैं आपके ऑटोमेटिक मॉड्यूल से, तो वो सारा जो डाटा है वो इसमें एक्टिव है। तो जैसे कि आपका इंजन आरपीएम देखना है वो आप देख सकते हो, व्हीकल स्पीड आपको देखना है वो देख सकते हो, ऑयल का कितना टेम्परेचर है आप वो देख सकते हो, लीवर शिफ्ट का स्विच है तो वो किस पोजीशन पे आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग भी ऑप्शन है, जैसे कि करंट गियर कौन सा है वो देख सकते हो, नेक्स्ट गियर जो पोजीशन है वो आपका क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं अपने यहाँ पे, आप वन बाई वन करके अपने हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, और या फिर उसका जो भी आपका पैरामीटर है या लाइव डाटा है आप देख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, अब हम बैक करते हैं। फोर्थ जो ऑप्शन आपका है वो है एक्चुएटर टेस्ट का। इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि जितने भी हमारे एक्चुएटर्स होते हैं उसको एक्चुएट करके हम देखते हैं। तो इसमें जैसे हम ओपन करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है SCSV ए ऑन ऑफ। इसका मतलब यहाँ पे ये है SCSV का कि शिफ्ट कंट्रोल सोलेनोइड वाल्व की बात कर रहा है ये, जिसको आप ऑन ऑफ करके आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा अलग अलग ऑप्शन और भी अवेलेबल हैं आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पे ऑप्शन है प्रेशर कंट्रोल सोलेनोइड वाल्व का, आप उसको भी एक्चुएट करके आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो TCC कंट्रोल सोलेनोइड वाल्व है, आप उसको भी एक्चुएट कर सकते हो। मैं इसको आप एक ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा स्टार्ट स्टॉप का, आप स्टार्ट स्टॉप पे क्लिक करके आप इसको एक्चुएट कर सकते हो। बैक करते हैं और चलते हैं अगले ऑप्शन में। अगला जो ऑप्शन है वो आपका है रिसेटिंग ऑटो ट्रांसमिशन वैल्यूज। इस फंक्शन का बेसिकली हम यूज तब करते हैं जब हम कोई पार्ट चेंज कर रहे हैं इसमें अपने ट्रांसमिशन में। तो जब हम पार्ट्स को चेंज करते हैं तो फिर से उसको कैलिब्रेट करने के लिए हम इस फंक्शन का परफॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है सिस्टम इंफॉर्मेशन। बेसिकली इस इंफॉर्मेशन के अंदर या इस ऑप्शन के अंदर हम ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारा मॉड्यूल है ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन वाला, उसकी डिटेल्स कि कौन सा है आपका, कौन सा वैल्यू है, फोर व्हील ड्राइव है, टू व्हील ड्राइव है, कैलिब्रेशन नंबर क्या है इसका, बोर्ड नंबर क्या है इसका, सॉफ्टवेयर का नंबर क्या है, ECU का सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा है, मतलब इस टाइप की डिटेल्स आपको चाहिए तो आप सिस्टम इंफॉर्मेशन पे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू था।